हाल ही में वेस्ट बंगाल विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास किया है। क्या है ये बिल, चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस बिल का नाम है अपराजिता द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल 2024। चलिए इसके प्रोविजन के बारे में जानते हैं। तो इस नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में पूरी जांच करनी होगी, पूरा इन्वेस्टिगेशन 21 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इन केस अगर विक्टिम कोमा में चले जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है तो दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। जैसा कि हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जस्टिस मिलने में सालों साल लग जाते हैं। इस नए बिल के अनुसार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसका नाम होगा अपराजिता टास्क फोर्स, जिसे हेड करेंगे डीएसपी लेवल के ऑफिसर्स। और ये बिल क्यों लाया गया? जैसा कि हमें पता है कि पिछले महीना 8-9 अगस्त को कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ था। इस घटना के बाद पूरा देश में विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद ही यहाँ पर इस न्यू बिल को लाया गया है, ताकि जो रेपिस्ट है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और जल्द मिल सके। चलिए वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है? तो कोलकाता। यहाँ के सीएम को तो सब जानते हैं, ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है सीवी आनंद बोस। विधानसभा सीटें 294 है, राज्यसभा सीटें 16 है, वहीं लोकसभा सीटें 42 है।